Hi, I'm Jogendra Singh and you're watching Jogi and You. Guys, this video is in Hindi language. इसमें एक complex geometrical shape है, थोड़ी उलझी हुई सी, और हमें इसका area और perimeter निकालना है. Simply, हम जानते हैं कि एक geometrical shape का perimeter उसकी सभी boundary lines का sum होता है. और उस perimeter के अंदर every single point को अगर हम include कर लें, तो ये उस शेप का एरिया होता है. सो फाइनली ये हमारी क्वेरी है जिसमें हमको एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप मिला है और जिसकी हेल्प से हमें शेप का एरिया और पेरिमीटर निकालना है. तो इसके लिए क्या है हमारे पास, टू साइड्स ए बी एंड बी सी जिनकी लेंथ्स हैं 3 और 4 यूनिट्स. आफ्टर दैट हमें ये आर्क मिला है और ये आर्क एक सेमी सर्किल है जिसकी लेंथ इज नॉट गिवन टू अस. और फाइनली हमको इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. ये बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसकी हेल्प से हमको ये दोनों मेजरमेंट्स निकालने हैं. एक बार तो यूं लगता है जैसे ये इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. कोई ना, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. ओके, एट द फर्स्ट इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. और पेरीमीटर के लिए हमें इसकी सभी साइड लाइंस को आपस में ऐड करना होगा, जस्ट लाइक साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस आर्क ए सी. नाउ ए बी और बी सी की वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे 3 + 4 which means 7. And for the perimeter, we don't know ki between A to C ye distance kitna hai. But ye already given hai ki ye ek semicircle hai. Iska matlab ye ki agar hum is line ko is jagah draw kar dein, to ye jo upper part hai, ADC, ye ek half circle hoga. Aur AC iska diameter hoga. Now, इस सेमी सर्किल का डायमीटर नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी का हाइपोटेन्यूस होगा, राइट? सो नाउ इन द राइट ट्राइंगल एबीसी बाय द पाइथागोरियन थ्योरम हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. रिप्लेस द वैल्यूज विद 3 और 4. 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 स्क्वायर मीन्स 16. 9 + 16 इज 25. नाउ दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेने के बाद लेफ्ट साइड में स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये होगा एसी. एंड ऑन द अदर हैंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा पॉजिटिव नेगेटिव 5. यहां अंडर रूट 25 की नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इन ज्योमेट्री अ साइड लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो अब हम यहां इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे विच इज पॉजिटिव 5 एंड दिस विल बी द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्किल. वैसे एक और शॉर्टकट है जिससे हम इस हाइपोटेनियस एसी या डायमीटर एसी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस राइट ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर की मेजरमेंट्स कितनी है, 3 और 4 यूनिट्स. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बोल सकते हैं कि ये एक 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल होगा. सो इसकी थर्ड साइड जो इसकी हाइपोटेन्यूस भी है विल बी 5. ओके, लेट अस नाउ स्वीप आउट ऑल दीज थिंग्स विच आर नो लॉन्गर ऑफ अवर यूज. एंड नाउ बिकॉज सर्किल का डायमीटर 5 है तो हम इसके सर्कमफेरेंस को इवेल्युएट भी कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड पेरीमीटर का एक पार्ट है और इनिशियली जिसको हमने आर्क एडीसी लिखा था. एंड यू नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्किल इज जस्ट पाई टाइम्स डी, दैट मीन्स पाई टाइम्स डायमीटर. एंड बिकॉज हमारे पास फुल सर्किल नहीं है
एक सेमी सर्किल है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस. कीप दिस थिंग असाइड हियर एंड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डायमीटर विद 5 एंड वी हैव 7 प्लस पाई टाइम्स 5/2, दैट मीन्स 7 प्लस 2.5 पाई यूनिट्स. और अगर तुम इसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हो तो पाई की वैल्यू को अप्लाई करो और हमारे पास एक्यूरेट आंसर होगा इसका. हियर वी आर यूजिंग द वैल्यू 3.14 इन द प्लेस ऑफ पाई. इसे कैलकुलेट करो, एक और बार कैलकुलेट करो तो हमारे पास होगा 14.85 यूनिट्स और ये होगा हमारा रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. चलिए अब हम इस शेप के एरिया की बात करते हैं. इस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकालने के लिए हम लाइन एसी की हेल्प से इस शेप को 2 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड अ सेमी सर्किल एडीसी. इन दोनों एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो गिवन कॉम्प्लेक्स फिगर का टोटल एरिया हमको मिल जाएगा. सो विदाउट डिले वी विल राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस द एरिया ऑफ सेमी सर्किल एडीसी. पहले हम ट्राइंगल का एरिया लेंगे विच इज हाफ ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड देन हम सेमी सर्किल का एरिया लेंगे विच इज हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर. बिकॉज इन द फिगर हमारे पास एक डायामीटर है तो रेडियस को डायामीटर में कन्वर्ट करते हैं विच इज हाफ ऑफ द डायामीटर. नाउ रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ बेस एंड हाइट विद 4 and 3 एंड जस्ट रिप्लेस द डायामीटर विद 5. 4 divided by 2 मीन्स 2. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा 2 times 3 विच मीन्स 6 एंड इन द सेकेंड पार्ट 5/2 द होल स्क्वायर मीन्स 25/4 और आफ्टर कैलकुलेशन ये होगा 6 plus 25 pi/8 और फाइनल कैलकुलेशन होगी 6 plus 3.125 pi square units. और अगर तुम इसे पाई की न्यूमेरिक वैल्यू 3.14 के साथ कैलकुलेट करते हो तो हमारा आंसर होगा 15.8125 square units. एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप. हाउ सिंपल इट इज. सो दैट्स इट. नाउ दोज हु वांट अ कंप्लीट सॉल्यूशन टुगेदर कैन राइट एवरीथिंग बाय पॉजिंग दिस वीडियो. फ्रेंड्स टू कंटिन्यू विद अस लाइक दिस सब्सक्राइब टू मी ऑन यूट्यूब and follow me on Facebook and of course like and share this video with your friends. So that's it for today. Thanks for watching. Bye bye.